नमस्कार, रूपास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल की बर्फी। कुछ दिन बाद ही होली है, तो होली के त्यौहार में हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो मैं एक बहुत ही इजी रेसिपी आपको बता रही हूँ, जो आप घर पे बनाइए और मेहमानों को खिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चना दाल। दाल को 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था, फिर पानी से निकाल के एक पेपर में फैला दिया और उसके बाद ग्राइंड कर लिया। शक्कर मैंने लिया है 200 ग्राम, 15 ग्राम काजू, काजू को मैंने हल्का सा पीस लिया है, और 4 बड़ी चम्मच घी। अभी मैं गैस को ऑन करके पैन को गर्म होने दूंगी हल्का सा। पैन हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसमें डालूंगी घी। घी को अच्छे से गर्म होने दूंगी। घी गर्म हो चुका है, तो गैस का फ्लेम में मीडियम कर रही हूँ और इसमें डालूंगी चना दाल। अभी चना दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी में, ताकि चना दाल का जो कच्चा स्मेल है वो बर्फी में ना आए। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ऐसे फ्राई करेंगे। 3 मिनट हो गया है और चना दाल भी आधा से ज़्यादा पक गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी काजू। इसे फिर से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। 3 मिनट हो गया है और चना दाल भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब मैं गैस का फ्लेम लो करूँगी और इसमें डालूँगी शक्कर। जब तक शक्कर अच्छे से गल ना जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे और इसको ऐसे ही मिलाते रहेंगे, नहीं तो बर्फी जो है वो नीचे से जल जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। शक्कर अभी भी थोड़ा गलना बाकी है, इसलिए मैं इसे 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। अगर आपको घी के खुशबू बहुत पसंद आते हैं, तो अब 1 या 2 चम्मच घी आप ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है बर्फी से। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। शक्कर पूरी तरह से गल गया है, तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको एक प्लेट पे निकाल लूँगी। अभी मैं एक प्लेट पे हाथों में घी लेकर थोड़ा सा ऐसा कर लूँगी, ताकि बर्फी जो है वो चिपक ना जाए प्लेट में आते ही। इसको निकाल लूँगी अभी प्लेट में। बहुत गर्म है, सावधानी से कीजिए नहीं तो हाथ जल जाएगा। ऐसे करके प्रेशर लगाना है, बहुत जल्दी जम जाता है ये। इसको ऐसे करने से ये चारों तरफ एक ही मात्रा में आ जाएगा। ये देखिए, ये हो गया है, तब मैं नाइफ से इसे काट लूँगी। आप चाहे तो इससे बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं, या फिर इससे थोड़ा छोटा भी, आपको जैसा पसंद है आप उसी साइज़ में बर्फी बनाइए। जब तक ये ठंडा नहीं होता है, तब तक हम इसे प्लेट से नहीं उठाएंगे, नहीं तो उठाते वक्त ये टूट जाएगा, तो इसे ठंडा होने के लिए आप छोड़ देंगे। ये देखिए, चना दाल की बर्फी तैयार है। मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ी सी पिस्ता डाला है। आप इसे घर पर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।